नमस्कार दोस्तों, सर्दियों वाली वेज मंचूरियन आज की इस खास रेसिपी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे हो या बड़े, वेज मंचूरियन सभी को बहुत ही पसंद है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए अभी चलते हैं अपने खेतों में। यहाँ से हम कुछ हरे पत्ते लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अपने खेतों में आ चुके हैं और हमारे खेतों में बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। दोस्तों, हम अपने खेत में हरा धनिया, प्याज और मूली लगाए हैं, जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं। प्याज के पत्ते भी बड़े हो गए हैं, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम हरे प्याज के पत्ते को ले लेते हैं। दोस्तों, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हरा प्याज का पत्ता ले लिए हैं। अब चलिए चलते हैं अपने किचन के पास और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें शिमला मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम एक हरा शिमला मिर्च लिए हैं और यहाँ पर दो बंद गोभी लिए हैं। बंद गोभी का जो ऊपर का छिलका है, इसे हटा देते हैं। चलिए एक नज़र देख लेते हैं कि इस रेसिपी में क्या क्या सामान लगता है। यहाँ पे हमने दो प्याज लिया है, दो बंद गोभी, एक नींबू, अदरक लहसुन और हरा मिर्च, एक शिमला मिर्च और हरा धनिया और हरा प्याज का पत्ता। तो चलिए दोस्तों, अब इसे काटना शुरू करते हैं। यहाँ पर किशन भी हमारी मदद करा रहा है। तो पहले हम शिमला मिर्च को थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर किशन बंद गोभी को कद्दूकस कर रहे हैं। बंद गोभी कद्दूकस करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो भी जाता है। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे हल्का दरदरा कूट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम प्याज लिए हैं, प्याज को भी बारीक काट कर तैयार कर लेते हैं। और साथ में हमने हरा धनिया और लहसुन, अदरक और हरा मिर्च लिए हैं। सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेते हैं। वेज मंचूरियन रेसिपी बनाने के लिए हमने सभी सामान को तैयार करके रख लिया है। अब चलिए मंचूरियन बॉल्स बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी है, इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक। नमक डालकर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 5 मिनट बाद ये पानी छोड़ देता है, तो अब हम इसे अच्छे से निचोड़ देते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, पानी एकदम अच्छे से निचोड़ दिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा फोड़ लेते हैं। अब हम बॉल्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और इसमें ज़्यादा कुछ मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्का मसाला है। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा मंचूरियन मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जो कि फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब चलिए सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हम पहले ही डाले हुए हैं। नमक अगर डालेंगे तो नमक ज़्यादा तेज़ा हो जाएगा। तो मंचूरियन बॉल्स जब भी बनाएं, नमक का थोड़ा सा ध्यान रख के बनाएं। ये देखिए दोस्तों, मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए ये स्टफिंग रेडी हो गया है। अब चलिए धीरे धीरे बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। एक एक करके लोई के आकार का इस तरह से बना लेते हैं गोल गोल। ये देखिए, बॉल्स हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ सॉस लिया हुआ है, जो कि सोया सॉस है। और यहाँ पर हमने टोमेटो सॉस लिया है और चिली सॉस। और यहाँ पे हमने सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है।
चलिए दोस्तों, अब मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे में आग जलाएंगे। आग हमारा जल गया है, चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई भी खाने वाला तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग सरसों के तेल में ही खाना पसंद करते हैं, इसीलिए हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। तेल गर्म हो गया है, अब एक एक करके सभी मंचूरियन बॉल्स को डालकर इसमें फ्राई करते हैं। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, जब भी मंचूरियन को फ्राई करें इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करें। अगर तेज आंच रहेगा तो मंचूरियन ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर फ्राई करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मंचूरियन का कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, गोल्डन ब्राउन एकदम। तो चलिए अब इसे छान कर एक बर्तन में रख लेते हैं, और इसी तरह से जो बाकी का बचा हुआ मंचूरियन है इसे भी तेल में डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब मंचूरियन की ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम सरसों का तेल डाले हुए हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। लहसुन डालेंगे और कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे और अदरक डालेंगे। सभी को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। तड़के का कलर चेंज हो गया है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। प्याज का भी कलर चेंज कर देते हैं हल्का सा भूनते हुए धीमी धीमी आंच पर। यहाँ पे हमने प्याज को भी अच्छे से भून लिया है। अब चलिए इसमें डाल देते हैं कटा हुआ शिमला मिर्च। इन सभी को डालने के बाद धीमी धीमी आंच पर अच्छे से इसे भून लेते हैं। लगभग एक मिनट हो गए हैं, अब चलिए इसमें सोया सॉस डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर सॉस। टमाटर सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और इसमें चिली सॉस भी डाल देते हैं। सभी सॉस को डालने के बाद इसे एक मिनट के करीब भूनेंगे और धीमी आंच पर भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे पकाते हैं। सॉस को अच्छे से भून लिए हैं, अब चलिए दोस्तों इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देते हैं। दोस्तों, मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम विनेगर नहीं डाले हैं, इसके स्थान पे हम नींबू का रस डाल रहे हैं, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने सभी सॉस को अच्छे से पका लिया है। अब चलिए इसमें हम कॉर्न फ्लोर डालते हैं। यहाँ पे हमने एक चम्मच के करीब कॉर्न फ्लोर लिया है, इसे पानी डालकर अच्छे से घोल कर तैयार कर लेते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि सॉस में भी थोड़ा नमक होता है, और ये जो कॉर्न फ्लोर है इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। इसे एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये धीरे धीरे इसकी ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मंचूरियन की ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब हम फ्राई किए हुए सभी मंचूरियन बॉल्स को इस ग्रेवी में डाल देते हैं और इसे दो मिनट के करीब धीमी धीमी आंच पर पकाते हैं। ये देखिए दोस्तों, दो मिनट बाद ये अच्छे से ये ग्रेवी एब्जॉर्ब हो गया है इस बॉल्स में, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर से इसमें हम हरे प्याज का पत्ता भी डाल दिए हैं, जो कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा देता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है।
तो देखा ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये मंचूरियंस बॉल्स बनकर रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडी के सीज़न में इसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस ठंडी में आप लोग भी इस तरह से पत्ता गोभी का मंचूरियंस बनाइए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए और अपना अनुभव मुझे कमेंट में दीजिए। तो आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए